व्हाट्सएप ने साफ कर दिया है कि वो अपनी नई पॉलिसी को विवाद के बाद भी लागू करेगा। रिपोर्ट के मुताबिक व्हाट्सएप की नई पॉलिसी को एक्सेप्ट नहीं करने पर व्हाट्सएप के फंक्शन कम कर दिए जाएंगे। फंक्शंस कम करने का मतलब यह है कि आप व्हाट्सएप जिस काम के लिए यूज करते हैं वही नहीं कर पाएंगे, यानी आपके मैसेज सेंड ही नहीं होंगे। व्हाट्सएप की ओर से नई पॉलिसी को एक्सेप्ट करने के लिए 15 मई तक का टाइम दिया गया है। इस पॉलिसी को लेकर काफी विवाद होने के बावजूद इसे लागू किया जा रहा है। कंपनी ने एक बार फिर से इस पॉलिसी के बारे में लोगों को समझाना शुरू कर दिया है। कंपनी ने कहा है कि यूजर्स के लिए इस पॉलिसी को पढ़ना आसान बनाया जाएगा। व्हाट्सएप इसके लिए यूजर्स को एक बैनर भेज रहा है, लेकिन ये अभी तक साफ नहीं था कि जो यूजर्स इस पॉलिसी को एक्सेप्ट नहीं करेंगे उनके अकाउंट के साथ क्या होगा। TechCrunch की एक रिपोर्ट के मुताबिक व्हाट्सएप ने ईमेल के जरिए बताया है कि वो यूजर्स को धीरे धीरे पॉलिसी एक्सेप्ट करने को कहेगा। पॉलिसी नहीं एक्सेप्ट करने पर कंपनी ने कुछ जानकारी शेयर की है। कंपनी के FAQ पेज के मुताबिक अगर यूजर्स 15 मई तक व्हाट्सएप की नई पॉलिसी को एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो उनके व्हाट्सएप के फंक्शन को लिमिट कर दिया जाएगा। यूजर्स व्हाट्सएप के सारे फंक्शंस को यूज नहीं कर पाएंगे, ऐप के सभी फंक्शंस यूज करने के लिए नई पॉलिसी को एक्सेप्ट करना ही होगा। कंपनी के मुताबिक यूजर्स कॉल और नोटिफिकेशंस को एक्सेस कर पाएंगे, लेकिन मैसेज सेंड या फिर रीड नहीं कर पाएंगे। कंपनी के मुताबिक एक बार अकाउंट डिलीट हो जाने के बाद यूजर्स इसे रिवर्स नहीं कर पाएंगे। यूजर्स की मैसेज हिस्ट्री पूरी तरह से हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। पॉलिसी एक्सेप्ट नहीं करने वाले यूजर्स जिन ग्रुप के मेंबर हैं उन सभी से ऑटोमेटिकली लेफ्ट हो जाएंगे। व्हाट्सएप यूजर्स के सभी बैकअप डिलीट हो जाएंगे। हालांकि कंपनी यूजर्स को 15 मई से पहले अपने अकाउंट का बैकअप लेने का ऑप्शन दे रही है। 15 मई से पहले यूजर्स चैट हिस्ट्री को एंड्रॉइड या फिर iOS फोन पर एक्सपोर्ट कर अपने अकाउंट का रिपोर्ट डाउनलोड कर सकते हैं। व्हाट्सएप ने कहा है कि यूजर 15 मई के बाद भी पॉलिसी को एक्सेप्ट कर सकता है। इनएक्टिव यूजर्स के कंटेंट लोकल डिवाइस पर तब तक स्टोर रहते हैं जब तक व्हाट्सएप को डिवाइस से डिलीट नहीं किया जाता है। व्हाट्सएप को फिर से रजिस्टर करने पर लोकल डिवाइस पर सेव कंटेंट फिर से व्हाट्सएप पर आ जाएंगे। कुल मिलाकर बात यह है कि व्हाट्सएप अब दादागिरी पर उतर आया है। प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट भी व्हाट्सएप को फटकार लगा चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने फेसबुक और व्हाट्सएप को नई प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर नोटिस इश्यू करते हुए कहा था कि यूजर की प्राइवेसी को सुरक्षित रखा जाना बेहद जरूरी है, लेकिन व्हाट्सएप है कि अपनी जिद पर अड़ा हुआ है और यूजर्स को अपनी पॉलिसी एक्सेप्ट करने के लिए मजबूर करा है। और अगर आप व्हाट्सएप यूज करते रहना चाहते हैं तो आपको व्हाट्सएप की ये पॉलिसी एक्सेप्ट करनी ही होगी।